नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा SBI रियल्टी लोन के बारे में। यानी कि आप जो लोन ज़मीन खरीदने के लिए लेते हो, मतलब प्लॉट है कोई ज़मीन का और आप उसको खरीदने के लिए जो लोन ले रहे हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आज मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। SBI रियल्टी लोन सिर्फ आपको प्लॉट परचेज करने के लिए दिया जाता है। मतलब कहीं भी आप सोच रहे हैं कि हम आपको घर बनाना है और अभी आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए आप इस लोन को ले सकते हो। आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। अब बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो लगभग होम लोन के बराबर ही लगता है। मतलब यानी कि जैसे होम लोन में अगर 6.65 चल रहा है, तो इसमें भी आपको उतनी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर आप अपने साथ मैक्सिमम 3 को बोरोअर्स जोड़ सकते हैं। जनरली हम को बोरोअर्स तब जोड़ते हैं तब हमारी जो सैलरी होती है वो कम होती है, जितना लोन हमें चाहिए होता है, तो हम हमारे लोन अमाउंट को बढ़ाने के लिए को बोरोअर्स जोड़ते हैं ताकि उनकी इनकम भी कैलकुलेट हो सके लोन के अंदर। आपको ये टर्म लोन के फॉर्म में मिलता है, जो कि आपको हर महीने पेमेंट करना होता है। मिनिमम आपको 5 लाख मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 15 करोड़ मिल सकता है। आपका जो मैक्सिमम अमाउंट लोन एलिजिबिलिटी है वो 3 चीज़ों पे कैलकुलेट होगी। EMI NMI रेशियो, मतलब आपकी सारी मंथली इंस्टॉलमेंट और इसकी इंस्टॉलमेंट मिला के, लोन टू वैल्यू रेशियो, और तीसरा लोन जितना आपने अप्लाई किया है। EMI NMI रेशियो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली बढ़ती है। अगर आपकी 3 लाख से 5 लाख की सैलरी है तो 40%, 5 लाख से 8 लाख 50%, 8 लाख से 10 लाख 55%, और 10 लाख से अगर ज़्यादा की सैलरी आपकी तो 60%। अब ये काम किस तरीके से करता है, जैसे कि अगर आपकी साल की इनकम 6 लाख है और महीने में आपको 50,000 मिलते हैं, तो आप 50% के ब्रैकेट में आते हैं, तो आप जो मैक्सिमम EMI बैंक मानता है वो 25,000 पेमेंट कर सकते हैं। तो आपकी एग्जिस्टिंग EMI और जो नया जो रियल्टी लोन है, सबकी EMI मिला के 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आपको को बोरोअर ऐड करना पड़ेगा। लोन टू वैल्यू बहुत सिंपल है। अगर 75 लाख तक का लोन है तो 70% तक आपका फाइनेंस हो जाएगा। मतलब अगर आप 10 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं तो बैंक आपको 7 लाख रुपए तक दे देगा, 75 लाख के ऊपर 60%। एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 60 लाख है तो आप 70% के ब्रैकेट में आते हैं, तो मतलब 60 लाख की प्रॉपर्टी पे 42 लाख तक आपको बैंक लोन दे देगा। रीपेमेंट पीरियड आपको 10 साल के अंदर इसको रीपेमेंट करना होता है, और आपको कंस्ट्रक्शन अपना 5 साल के अंदर शुरू करवा देना होता है। 5 साल के भीतर आपको बैंक को जाके एक सर्टिफिकेट देना होता है कि आपने जो प्लॉट लिया है लैंड का, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन करा लिया है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन 5 साल में नहीं कराया तो आपके जो लोन है उस पर कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाती है, जिससे आपको ब्याज का ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। आप अगर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बैंक आपको लोन दे देता है। जैसे आज आपने प्लॉट के लिए लोन लिया, 2 साल बाद अगर आपका मन मना किया कि हम अब हमें घर बनाना चाहिए, आप बैंक के पास अप्रोच कर सकते हो, तो आपको एक नया लोन सेंक्शन हो जाएगा जिसके अंदर आपका रियल्टी लोन मर्ज हो जाएगा और नया लोन एक और आपको मिल जाएगा। मॉरेटोरियम पीरियड 0 होता है रियल्टी लोन में, क्योंकि उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करवाना नहीं होता। तो जैसे ही आपका लोन सैंक्शन और डिसबर्स होता है, अगले महीने से आपको रीपेमेंट करना होता है। टैक्स बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता रियल्टी लोन में। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए अगर आप ये रियल्टी लोन लेना चाहते हैं। प्रोसेसिंग फीस 0.4% है, जो कि मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 30,000 तक जा सकती है। अदर चार्जेस में आ जाता है आपका स्टाम्प ड्यूटी, वैल्यूएशन, TIR और सरसई चार्जेस, जो कि बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। डिसबर्समेंट डायरेक्ट जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हो या जिस इंस्टीट्यूट से खरीद रहे हो, बैंक डायरेक्टली उसको पेमेंट करेगी, या तो NEFT करके पेमेंट करेगी या ड्राफ्ट इशू होगा। आप इसका पेमेंट SI के थ्रू भी कर सकते हो और ECS के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। प्री क्लोजर पेनल्टी इसके अंदर कुछ नहीं होती, आप इस लोन को कभी भी क्लोज करा सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो ज़मीन आप खरीद रहे हो उसकी TIR और वैल्यूएशन रिपोर्ट, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और आपकी एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट। आप ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हो, आप योनो ऐप के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी मुझसे जुड़िए, मैंने जो मोबाइल नंबर दिया है, आज की डेट में हज़ारों लोग पैसा कमा रहे हैं।
फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच के जिनको मेरे साथ एसोसिएट है, आपकी कुछ ना कुछ पैसे इनकम हमेशा होती रहेगी। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड।